सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ नाले खुद को समंदर समझ बैठे हैं, कुछ नाले खुद को समंदर समझ बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनका गाना मैं से मीना सेना साथी से मुंह से जाता ही नहीं है। सही वक्त पर करवा देंगे, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ नाले खुद को समंदर समझ बैठे हैं, कुछ नाले खुद को समंदर समझ बैठे हैं। मला एका गोष्टीचा अभिमान आनंद, मला अनेक जणांनी विचारलं की तुम्ही रश्मिकाताईंना या ठिकाणी का बोलवत। पुष्पा हिट आहे, सुपर डुपर हिट आहे, एनिमल तो पूरा नहीं देखा, जो भी देखा चार्टर देखा तो चार्टर भेजा। मला अभिमानाने सांगा असं वाटतंय की या रश्मिकाताई येणाऱ्या काळात एक चित्रपट येतोय छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, युग पुरुष जानते राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चित्रपट येतोय। आणि त्या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुनबाई म्हणून कोण काम करत असतील तर त्या रश्मिका आहेत, हे आपल्या सर्वांच्या समोर सांगणं माझं कर्तव्य आहे। कृती सनून आल्यात, यायला वेळ आहे, त्यांनी सीतेचं काम एवढं उत्कृष्ट केलंय की आम्ही रामायणामध्ये वाचताना रामायण रामानंद सागर साहेबांची सिरियल पाहत असताना दीपिकाला जी सीता पाहिलं त्याच्या पलीकडे जाऊन खऱ्या अर्थानं सीतेचं एक कलाकार म्हणून आपल्यातलं रूप आंगडलं, ते रूप कृती सनोनच्या इथं आल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेलच। म्हणून आज आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो। आपण वेळ दिलात, या नाथ प्रतिष्ठानची प्रतिष्ठा वाढवलीत, एक दिवस निश्चित येईल की या सर्व मान्यवरांची कला आज त्या उद्घाटनाला आल्यात। मैं मेरी तरफ से आपको जबान देता हूं रश्मिका जी कि आप जैसे उद्घाटन के तौर पे इस परली में आए हैं, यह फंक्शन इससे भी बड़ा होगा जहां आप खुद परफॉर्म करने के लिए भी आओगे। हम एक बार बुलाने के बाद छोड़ते नहीं हैं। मुझे याद है जब गोविंदा जी, जिसको चिच्ची भैया आज भी कहते हैं, जिनका गाना भले ही वो उम्र से थोड़े मुझे अभी भी नहीं लगता, मैं तो उनसे छोटा लगता हूं, मेरे बहुत गहरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी उनका गाना मैं से मीना सेना साथी से मुंह से जाता ही नहीं है। पहली बार बुलाया था, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे मालूम नहीं था कि मैं यहां बैठा वाला एक बैठने वाला एक साथी यहां आके कब भाषण करेगा। उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तू यहां आके बोलेगा, दूसरी बार बुलाया, दूसरी बार बुला के उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद के साथ हमने भी उनका एहसान जताया। ऐसे लोग परली के बड़ा दिल रखने वाले हैं।